नमस्कार दोस्तों, रावगढ़ में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में नायब तहसीलदार, पोस्ट ऑफ नायब तहसीलदार, जो कि गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में निर्णय किया है कि 20 वैकेंसीज जो है नायब तहसीलदार की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के माध्यम से भरी जाएगी। और इसका जो सिलेबस है और एग्ज़ाम पैटर्न है उसके बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो जो नायब तहसीलदार का पेपर है इसमें दो पेपर होंगे, एक तो आपका प्री होगा, स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, और उसका बाद आपका मेन पेपर होगा। तो चलिए इसका क्या सिलेबस रहेगा, तो ये ऑफिशियल वेबसाइट से जो लिया गया सिलेबस उसी को मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। और इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स भी दिए गए हैं कि कहाँ कहाँ से आपको कितने कितने मार्क्स का जो है पेपर आएगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं सिलेबस फॉर स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ नायब तहसीलदार। पेपर ऑफ 2 आवर्स, ठीक है, जो पेपर आपका कितने 2 घंटे का होगा। ड्यूरेशन कंसिस्टिंग ऑफ कितने होंगे आपके, 120 मार्क्स का होगा आपका, ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा और GK का होगा। जो प्री है उसमें सिर्फ ओनली जनरल नॉलेज का ही आपका टेस्ट होगा। और उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन मार्क्स हैं इस प्रकार से हैं, सबसे पहले आपका जो है 30 मार्क्स, देखिए 30 नंबर का जो है आपका HPGK आने वाला है। हिस्ट्री जियोग्राफी एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, कितने मार्क्स का आएगा आपका, 30 मार्क्स का। तो इसी हिसाब से आपने तैयारी करनी है, क्योंकि जब तक आप सिलेबस को अच्छे से देखेंगे तब तक आप उस तरह से तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो जितने भी ये सेक्शंस हैं उस तरह से आपने इसको देख के ही उसी अकॉर्डिंग आपने अपनी तैयारी करनी है। तो HPGK आपका हो गया 30 मार्क्स का। नेक्स्ट है आपका नॉलेज ऑफ करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस एंड सच मैटर्स ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस इन देयर साइंटिफिक एस्पेक्ट एज मे बी एक्सपेक्टेड ऑफ एन एजुकेटेड पर्सन, ठीक है। तो आपका करंट अफेयर, देखिए जो डेली एक्टिविटी है, डेली न्यूज़ है, ठीक है, आप डेली न्यूज़पेपर पढ़िए, ठीक है, डेली करंट अफेयर अपडेट रहिए, वो आप पर 50 मार्क्स कवर करेगा। तो ये 50 नंबर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो ये टोटल आपका करंट अफेयर्स के, करंट न्यूज़ के में से ही आपका पूछा जाएगा। तो इसको आपने खास ध्यान देना है, आपने ये पिछले लास्ट ईयर से मतलब 1 साल तक का करंट अफेयर जरूर आपने पढ़ के जाना है। तो करंट अफेयर को काफ़ी ज़्यादा इसमें वेटेज दी गई है, तो इसका आपने काफ़ी ध्यान रखना है। और करंट अफेयर और इसको टोटल मिला के ही आपके कितने 80 मार्क्स का आपका पेपर यहीं पे हो जाता है। नेक्स्ट है पेपर विल बी इंक्लूड किसके में से, मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन आएंगे आपको, इंडियन पॉलिटी हो गया, इंडियन कल्चर हो गया, इकोनॉमी, जियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड टीचिंग ऑफ महात्मा गांधी। देखिए महात्मा गांधी के जो इसमें से जो टीचिंग वाला जो पोर्शन है अभी हाल ही में ऐड किया गया है, तो इसमें से भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन 10-12 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो और टोटल मार्क्स आपके इसमें 40 हो गए, ठीक है, टोटल मार्क्स इतने हुए 40। इसमें से आपकी मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, इंडियन पॉलिटी हो गया, जितने भी हैं ये इसमें से 40 मार्क्स का कवर किया जाएगा। तो ये आपका प्री का है, ये स्क्रीनिंग टेस्ट का जो है ये सिलेबस है आपका। तो इस तरह से आपने पेपर की तैयारी करनी है। तो नेक्स्ट देखते हैं सिलेबस फॉर मेन एग्जामिनेशन, ठीक है, मेन एग्जामिनेशन में आपका किस तरह से पेपर होगा और पूछा जाएगा। तो इसमें जो है जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर 100 मार्क्स, इसमें 2 घंटे का आपका पेपर होगा, जिसमें से HP का जो हिमाचल का है वो आएगा आपका 20 मार्क्स, ठीक है, हिमाचल जी के में से 20 मार्क्स का पूछा जाएगा। और जो करंट अफेयर है उसमें से 40 नंबर का, और 40 नंबर का आपका आपका मॉडर्न हिस्ट्री और इंडियन इकोनॉमी और पॉलिटी वगैरह से इसमें से पूछा जाएगा। तो इस तरह से आपने इसकी जो है तैयारी करनी है। नेक्स्ट है जनरल इंग्लिश, देखिए जनरल इंग्लिश का जो पेपर होगा 50 नंबर का होगा, और ये इसमें आपको हाफ एंड आर का आपको समय मिलेगा, ठीक है, इसमें 1.5 घंटे का समय मिलेगा। और इंग्लिश ऐसे भी है इसमें, ठीक है, ऐसे राइटिंग भी है, और हिंदी का भी सेम टाइमिंग है, ये आपके 50-50 नंबर के होंगे, ठीक है, और 100 नंबर का आपका GK का पेपर होगा, ठीक है। तो हिंदी का और इंग्लिश का ग्रामर भी आप पढ़ना अभी से स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है, और हिंदी का भी जो भी आपको एक ग्रामर खरीदना चाहिए और उसमें से आपको अभी से तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि अलाइड सर्विसेज में भी हिंदी के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, हिंदी का भी पेपर होता है, उस तरह से आपने इस चीज़ की तैयारी करनी है। तो ये आपके इस तरह से ये पैटर्न है, तो आप अभी से नायब तहसीलदार की तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि ये जो है आपका नायब तहसीलदार और अलाइड हो गया, फिर नेक्स्ट में ईयर में आपका HS का भी आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आप अच्छे से तैयारी कीजिए, और अगर आपको बुक्स के वगैरह इस तरह की गाइडेंस चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा,
आपको उस तरह की वीडियो मिलेगी। और आप नायब तहसीलदार की ऑनलाइन तैयारी भी करना चाहते हैं तो उस तरह से भी आप कमेंट कीजिएगा, तो उस तरह से आपको लेक्चर दे आपको डिलीवर किए जाएंगे। और जीके का भी हो गया, जनरल हिंदी हो गया, जनरल इंग्लिश हो गया, ठीक है, एसे और जो भी इस तरह के सारे जो है इसकी तैयारी करवाई जाएगी। अगर जो स्टूडेंट्स जिस तरह से डिमांड करेंगे उस तरह से उनको वीडियो को देखने को मिलेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, थैंक्स।